चीख चीख कर तुमसे कहे, हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, केजीएफ 2 की सक्सेस के बाद से डायरेक्टर प्रशांत नील और फिल्म मेकर होमेबल फिल्म्स की अगली फिल्म पर हर किसी की नजर है। केजीएफ 2 की रिलीज से पहले प्रोड्यूसर ने इंडियन सुपरस्टार प्रभास के साथ अपनी अगली फिल्म सलार का मेगा ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से इस फिल्म को लेकर भारी क्रेज है। सुपरस्टार प्रभास और श्रुति हसन स्टारर डायरेक्टर प्रशांत नील की मच अवेटेड फिल्म सलार, जो कि अभी शूटिंग फेज में है। इस फिल्म को मेकर्स अगले साल रिलीज करने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक मेकर्स ने फिल्म की रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं किया है। इस बीच सलार के प्रोड्यूसर ने फिल्म के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर कर फैंस की धड़कनें तेज कर दी है। फिल्म मेकर्स ने बताया कि सलार को लेकर एक बड़ा ऐलान टीम जल्दी करने वाली है। जानकारी दी गई कि प्रभास स्टारर फिल्म को लेकर एक अहम जानकारी 15 अगस्त के दिन साझा की जाएगी, जिसके बाद से ही कयास लगाया जा रही कि बड़ा ऐलान आखिर क्या होगा। कुछ लोगों का मानना है कि पोस्टर्स रिलीज होंगे, तो कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म का टीजर रिलीज होगा इस दिन। होमेबल फिल्म्स ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, अनाउंसमेंट ऑफ अगस्त 15 एट 12:58 PM, यानी कि 1 बजे के आसपास रिलीज होगा, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा। अब वो क्या होगा, इसकी नजर सभी पर टिकी होगी। बता दें कि केजीएफ 2 के बाद अपनी अगली फिल्म को भी विशाल बनाने के लिए मेकर्स कड़ी मेहनत में जुटे हैं। इस फिल्म में प्रभास के अपोजिट एक्टर श्रुति हसन नजर आएंगी, जबकि प्रभास को फिल्म में टक्कर देने के लिए विलेन के तौर पर सबके सामने आएंगे जगपति बाबू, जैसे हमारे बॉलीवुड में संजय दत्त है ना, जो अक्सर अपने दमदार रोल के लिए जाने जाते हैं, दमदार लुक की वजह से जाने जाते हैं, वैसे ही साउथ में जगपति बाबू है, जो एक से बढ़कर एक खतरनाक विलन के रोल में नजर आते रहते हैं। जगपति बाबू जो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है और साउथ में इनका बहुत बड़ा नाम है। अब देखना है कि क्या होने वाला है आज, क्या कितना बड़ा धमाका होगा, क्या सच में फिल्म का टीजर रिलीज होगा। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।